राहुल फाइनेंसर यूट्यूब चैनल से मैं राहुल आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण ऑडियो लेकर आया हूं। इस ऑडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक पुलिस वाले को गाली देने पर जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं कैशबिन की इतनी हिम्मत हो गई कि उनको भी इन्होंने गालियाँ दी, लेकिन उनको किस तरीके का जवाब मिला पुलिस की तरफ से, आप इसको पूरा सुनिए, लास्ट तक सुनिए। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग राहुल फाइनेंसर यूट्यूब चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कृपया राहुल फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, उससे क्या होगा कोई भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आप हमें किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं राहुल फाइनेंसर यूट्यूब चैनल की तरफ से, तो कृपया आप हमें हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में। हमने नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और आप नंबर स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए, क्या बातचीत हुई कैशबिन की इन पुलिस ऑफिसर्स से वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सुनिए आप ध्यान से। हेलो, मैं राजेश बात कर रहा हूँ। अभी आधे घंटे एक घंटे पहले फोन आया था, मैंने आपको बोला, फिर वापस आपने फोन रिसीव नहीं किया। वाई आर टॉकिंग मी? क्या? हाँ हूँ, क्या हूँ राजेश? हाँ, और आप बोल रहे थे तो मेरे को सारी डिटेल्स अभी मेरे को चाहिए। मैं एक्चुअली में मैं अहमदाबाद वटवा GIDC पुलिस स्टेशन में से राजेश बात कर रहा हूँ। सर अभी तो ऑफिस बंद हो गया है, कैसा होगा आपको देखिए? चेक करिए और मुझे अभी अभी मेरे को बताइए क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। अरे सर कैसे रहता है, ये लोन के रिगार्डिंग के लिए फोन आते हैं आपको, कैसे रहता है? रेफरेंस में आपका नंबर शायद उन्होंने दिया होगा। दिया मेरा नंबर? अरे किसने दिया है, कैसे दिया मेरे को बताओ, जानकारी दो, आपके पास जानकारी होगी ना सब। अरे सर ये कैसे रहता है, इधर के बहुत कितने 200 लोगों के ऊपर का कस्टमर काम करते हैं, तो इसको 200 लोग के लिए रहे या 500 लोग के लिए आपकी कंपनी लोन देती है अगर किसी बंदे को, या कैसे भी देती है तो आप मुझे बताइए ना। आप मुझे कॉल करके बता रहे हो कि आपने लोन लिया, यानी वो मैंने कैसे लोन लिया, किस तरीके से लिया, आप मेरे को बताओ। अनिकवा क्या आपका? मैं राजेश बात कर रहा हूँ। मैंने आपको किस क्या बोला फोन करके आपने? मेरे को ऐसा बोला कि बट ने आपके कंपनी में से कोई लोन लिया हुआ है और आपके नंबर की डिटेल्स दी हुई है, तो मेरे को जानकारी चाहिए कि मेरा नंबर कैसे किस तरीके से आपके पास आया है, मेरे को वो जानकारी दे दी आप। मैंने एक बात बोलूँ क्या सर? मैं आपको, मैं राजेश बात कर रहा हूँ, बोलिए। मैंने एक बात बोलूँ क्या, मेरी बात आप सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। ये सर कैसे रहता है, जो भी लोन लेते हैं ना? हाँ जी हाँ, वही जो नंबर है ना, वो जो रेफरेंस के नंबर है ना, वो भी वो अपलोड कर देता है, हमने कुछ भी नहीं कर सकते, खाली कैसे रहते हैं ऑनलाइन प्रोसेस है। आपके वहाँ से कॉल आया था, मेरे को गाली से बात किया था, समझ लीजिए मेरी बात। मैं अहमदाबाद पुलिस से बात कर रहा हूँ, ठीक है? बोलिए। कॉन्स्टेबल बात कर रहा हूँ, तो मेरे को आप इतना बता दिए वो किस बंदे ने मेरे को आपको मेरे को कॉल किया था और कैसे बात किया था, वो बंदे से मेरी बात तनिक करा दी है अभी। नहीं सर अभी तो कैसे ऑफिस का टाइम बंद हो चुका है सर, हमारा 5 बजे ऑफिस का टाइम बंद हो चुका है। तो 5 बजे फोन है मेरे पास, 6:21 को कॉल आया है ये, 6:21 में मेरे, हाँ 6:21 को कॉल आया था मेरा ये नंबर पे, 21 मिनट को आया था। 6:21 सर कोई कैसे रहता है सर, ये कैसे कनेक्ट किया होगा सर? सर ये नंबर से कैसे कनेक्ट कर देते ना, इधर के कस्टमर रहते ना तो कनेक्ट हो जाता है। मेरे नंबर में करके नंबर एक ऐड हुआ है मेरे फोन के अंदर, ठीक है? अब ये केतन भट्ट कौन है मैं तो नहीं जानता हूँ, ठीक है? नहीं सर उसको कैसे है सर, उसको जो केतन भट्ट है ना उसको फोन लगाओ, उसको बोलो मेरा नंबर क्यों डाल दिया, मैं आपको पहचान नहीं। अरे मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरे फोन के अंदर से मैं फोन लगा रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा है, तो मैंने आपको कॉल किया वापस किए, फोन रिसीव नहीं कर रहे, ये कौन है बंदा, क्या है, कैसे नहीं, मेरे को मैं तो जानता नहीं हूँ, ठीक है सर? कैसे रहता है, हमें कुछ भी नहीं जानकारी देते सर, हमें कुछ भी नहीं कर सकते, अपलोड वही करता है, कैसे रहता है, ऑनलाइन प्रोसेस है वही अपलोड कर देता है, हम खाली उसको कैसे रहते हैं। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं सर बॉम्बे से बात कर रहा हूँ सर। बॉम्बे से कहाँ से बात कर रहे हो? मैं अंधेरी से सर। हाँ अंधेरी। पूरा एड्रेस बताया, मैं अभी जस्ट 15 मिनट्स में आपके वहाँ पे गाड़ी भेजता हूँ और मैं पूरी इंक्वायरी निकालता हूँ, ये कौन बंदा है, कैसे क्या कर रहा है। हेलो हाँ जी
हाँ सर कैसे रहता है, आप इधर भी आए तो अभी आपको कोई भी जानकारी कैसे सर, मैं आपको सुबह में पूरी डिटेल जानकारी दे सकता हूँ सर। ऐसा ही आपका रेफरेंस नंबर है ना, ऑफिस टाइम में आपको दे सकता हूँ, इस टाइम में। नो नो नो, व्हाई यू पिक अप द कॉल ऑफलाइन, योर ऑफिस आवर्स? नो नो सर, ऑफिस का और कैसे टाइमिंग सर आपको पता होगा। अभी जस्ट लिसन मेरी बात सुन लीजिए सर। कैसे आपको, आपको शायद लग रहा होगा आपको क्या कोई रिकॉर्डिंग है क्या भेज सकते क्या मुझे, क्या वो बंदे ने कुछ कहा तो मैं कैसे ऐसे में मैनेजर बात कर रहा हूँ। जस्ट लिसन हियर एंड पीआई ऑफ रामोल ब्रांच बराबर। हाँ ओके, हाँ ओके, एंड आई विल बी टेकन लीगल एक्शन फ्रॉम योर कंपनी। ओके You already harassment my client always. Listen. Tell me your name. From where? Mumbai. Mumbai. Which location? Yeah, Andheri. Andheri. Andheri West. Give me your proper address. ओके सर, कैसे ऑफिस टाइम तो बंद हो चुका है ना अभी? ऑफिस टाइम बंद हो चुका है तो आप कॉल क्यों पिकअप कर रहे हैं, आप कॉल पे बात क्यों कर रहे हैं, आप कॉल क्यों कर रहे हैं, मेरे कलीग्स को आप फोन करके हैरान कर रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे आपका उस टाइम का प्रोटोकॉल आपका जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है आपको? करता है सर, लेकिन हाँ बताइए आप। कैसे रहता सर आपको, कोई कैसे रहता कस्टमर ने कोई लोन लिया होगा इनकी कैसे? कोई लोन लिया नहीं है, रेफरेंस में इनका नंबर भी नहीं दिया हुआ है, इन्होंने सब फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर ली है, ठीक है, कंफर्मेशन ले लिया है ऑलरेडी। और आपका जो ईएमआई नंबर है बरोबर, आईएमआई नंबर है, उसके ऊपर भी हम है ना सर्वेलेंस कोड में आपको रिपोर्ट कर सकते हैं, आप एक बार ध्यान रख लीजिए, ठीक है? आप यूं सोचते कि आप स्मार्ट बन रहे हो या फिर लोन ले लिया है उसको आप हैरेस कर रहे हैं, तो फिर वो बात अलग है, फिर आप समझ जाइए फिर नेक्स्ट टाइम आपके साथ क्या हो सकता है। मैंने सर एक बात मेरे ध्यान में लीजिए सर, जो भी लोन लेते हैं ना हम नंबर कुछ भी नहीं डालते, कैसे रहता है सर उनका जो ये कैसा हमारा ये ना ऑनलाइन है प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ठीक है, वो आपकी कंपनी की पॉलिसी है, तो आप अपना एक काम करिए, आपका ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, हम लीगल एक्शन ले लेंगे, जो भी है हमारा लीगल व्यू पॉइंट है, हमारा सर्वेलेंस कोर्ट है, वो आपको जवाब दे देगा, ठीक है? सर कैसे जो भी आपने कुछ भी कार्रवाई होना है तो इसके लिए सर कैसे मैं जो भी आपको जो कोई बंदा रहेगा मैं उसको सुबह में देख लूंगा, जो भी उसका जो है ना उसमें कॉल रिकॉर्डिंग होती है तो मुझे भेज सकते हैं ना, उसके ऊपर मैं कुछ एक्शन लूंगा, नहीं तो उसको जो भी आपने गाली दी ना कितने भी दिया होगा उसके ऊपर मैं। ठीक है, आपके जो लोन लेता है उनके कॉन्टेक्ट एक्सेस करने का आपको अथॉरिटी है, लेकिन आप एक बार वेरीफाई तो करिए, आप एक बार वेरीफाई करिए कि वो जो डेटा आपको मिल रहा है वो सही है कि नहीं है, सिक्योर है कि नहीं है। मैंने सर कैसे रहता है, एक बात बोली क्या सर ये कैसे रहता है सर, जो भी ना रिकवरी वाले को कैसे रहता है ये तो कुछ भी जानकारी नहीं रहती ना, वो कंपनी वाले कैसे रहते हैं उनको पता रहता है ना, जो भी लोन लेते वो प्रोसेस करते वो पेमेंट उनके ऊपर जो है ना डालते है ना वो रिकवरी करते है कि नहीं हमें थोड़ी पता नहीं ना, ये रिकवरी वाले कैसे रहते हैं उसका खाली काम कैसे रहता है पेमेंट निकालना ये रहता है ना, ये बात बोलते नहीं तो रिकवरी करनी है तो हमारे पास आ जाओ, हम आपको रिकवरी करवा देते हैं, कोई बात नहीं है, मैं आपको मेरा एड्रेस दूं। नहीं नहीं ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन ही लिया था तो ऑनलाइन ही प्रोसेस के ऊपर ही पेमेंट करना रहता है, ये ऐसा रिकवरी बोल के घर में जाना ऐसा नहीं रहता ना, ये कैसे रहता है ऑनलाइन? कोई बात नहीं, मेरे को पेमेंट करना है ना तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी ऑफिस आ जाता हूँ मुंबई, ठीक है, वहाँ मैं पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है, आप एड्रेस दे दीजिए मुझे। ओके सर मैं दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता, जैसे जैसे जो ऑफिस टाइम है ना अभी खत्म हो चुका है, अभी आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फिर अभी क्यों नहीं दे सकते आप एड्रेस? ये सर कैसा है मेरा ये ना नंबर, ये पर्सनल नंबर है सर मेरा। अच्छा ये आपका पर्सनल नंबर है? ओके केतन, ये आपका पर्सनल नंबर है क्या? मेरे पर्सनल नंबर बोल के कंपनी में दो मिनट होल्ड डाउन। हेलो,
ये आपका ये आपका पर्सनल नंबर है क्या? मुझे जो कंपनी ने दिया है करके मेरे ऊपर, जस्ट मिनट हो रहा हूँ, विकास करके कॉल मेरे में ऊपर कॉल आया था, ठीक है। वो बंदा गाली गलौज कर रहा था तो उसको मालूम नहीं, मैंने बात करने के लिए रखा लेकिन उसने फोन काट दिया, ठीक है, तुरंत जस्ट टू मिनट। जो भी आपके ये नंबर से कॉल आया था क्या, किसके नंबर से? यही नंबर से कॉल आया, तभी तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ यार। ये नंबर मेरे पास कहाँ से आएगा बताओ मेरे को? वो तो है ना, सही है ना, बरोबर। अब मैं इसके ऊपर, मैं जस्ट पुलिस वाला बंदा हूँ, अभी सर ने बात की PIA, मैं कॉन्स्टेबल हूँ, ठीक है, वो मेरे सर है। अब मैं उनको लीगली बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई बंदा ऐसे गाली गलौज करके कॉन्स्टेबल को गाली दे रहा है तो मैं लीगल एक्शन लेने, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को 5 से 10 मिनट लगे, मेरे को कॉल ट्रांसफर करना है सीधा वहाँ पे, समझ लो। बनी सर, कैसे आपका काम है सर, आपका क्या, कोई भी आपको ऊपर कोई भी मुझे गाली गलौज कर रहा है, आपको परमिशन है सर? उतना आपको पूरा परमिशन है सर, ठीक है। और ये नंबर पहले मेरे को ये जानना है कि ये नंबर आया कहाँ से वहाँ पे डिस्प्ले पे, ठीक है। अगर ये बंदा मेरे को सुबह मॉर्निंग में, आप बता रहे हो मॉर्निंग में सब कुछ होगा, ठीक है, तो मेरे को 10 o'clock, अगर 11 बजे से पहले, मैं 10 नहीं 11 बजे का टाइम दे रहा हूँ, 11 बजे के पहले ये बंदे का मेरे ऊपर विकास करके जो भी था उसका फोन नहीं आया तो मैं 15 मिनट में वहाँ पे आपकी कंपनी का मेरे को एड्रेस मेरे को मेल खाली मेल दो कर दो। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी आपको कहना, उसका नंबर आया था, उसको क्या बोल रहा था, उसका जो नंबर है ना, क्या आपसे क्या बात कर रहा था? रिकॉर्डिंग मेरे पास, रिकॉर्डिंग है उसका। ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या, दे सकते हैं नंबर पर? यही नंबर आया था जिसके मैंने कॉल किया ना, वही नंबर से मेरे कॉल आया हुआ है। 6:21 को, 6:21 को कॉल आया था। क्या बोल रहे थे करके बोला था और मेरे को ऐसा बोला था, पर एक्चुअली मैं क्या सर के साथ था तो मैं ड्राइव कर रहा था तो मैंने ज्यादा बात नहीं की थी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला मैं आपको 15 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और उसके बाद जस्ट मैंने अभी लगाया तो आपने रिसीव किया, ठीक है। और ये जो भी बंदा है, आपकी कौन सी कंपनी है सर जी, तनिक हमको बताइए आपकी कौन सी कंपनी है? स्वीट रूपीज। कहाँ पर आई है कंपनी एग्जैक्टली? अंधेरी। ओके, आपका CEO कौन है? CEO सर मनोज वाजपेयी। मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हैंड ओवर, ठीक है। मेरे को CEO का नाम बताइए। हेलो, CEO का नाम बताइए आप तनिका। CEO का नाम क्या? जो कंपनी का डायरेक्टिंग मैनेजर है ना, उसका नाम बताइए कौन है, मैं उसके खिलाफ ही कंप्लेन करूंगा। हो ना सर, कैसे है, मैं तो अभी नया हूँ सर, इसके लिए तो पूरी मैं जानकारी नहीं दे सकता इसके लिए। अच्छा, आप नए हो अभी? हाँ नहीं, इसकी वजह से वो मुझे कैसे पूरा डिटेल दे देता है, तो पूरा डिटेल बता देते ना। देखो, आपका नाम क्या बताया आपने? आपका नाम क्या बताया? ठीक है, मैं 11 बजे है ना, आपका कॉल सामने से मेरे ऊपर ये नंबर पे आना चाहिए, आपका रोहित अग्रवाल, आपका फोन, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी पड़ेगी कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, लोकेशन, एड्रेस। मेरी बात सुनिए आप पहले, आपका एड्रेस, आपकी हेड ब्रांच कहाँ भी हो, मुंबई के अंदर, अंधेरी में, जहाँ भी हो, वहाँ पे मेरा ब्रांच का एड्रेस मेरे को पूरा चाहिए, ठीक है। अभी आप बता रहे हो मैं नहीं दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह में मेरे को मॉर्निंग में 11 बजे तक मेरे को एड्रेस चाहिए। मैं 11:15 बजे नहीं लूंगा, वहाँ पे मेरी गाड़ी भी आ जाएगी वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस में से, ठीक है, अंधेरी में से, वहाँ आके आपको पूछ लेंगी, जो भी है, जो भी विकास स्तर का बंदा, जो भी है, क्या है ये केतन भट्ट का मामला, कुछ भी है ना, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सही है या रोंग है, ठीक है। हाँ, अगर ये गलत हुआ तो आपके ऊपर कार्रवाई तो मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन आपकी कंपनी के ऊपर, CEO के ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा, और जो बंदे ने गाली दिया है, ठीक है, वो बंदे के ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा, ठीक है सर। एक मिनट, कॉल रिकॉर्डिंग करके वो दे सकते हैं, मैं कैसा इधर से, मैं जो भी है ना मेरे ऊपर जो है ना उसको मैं भेज सकता हूँ ना, उससे आपको पूरा डिटेल अभी हो जाएगा ना आपकी? ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, दे सकते हैं क्या अभी बाल 2 मिनट में भेज दूँ आपकी मेल आईडी, मेरे को मैसेज कर दो ये नंबर पे, टेक्स्ट मैसेज पे, ना व्हाट्सएप कर दो ना ये नंबर पे, सर मेरा ये नंबर व्हाट्सएप का नहीं है, मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर दो, ठीक है, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ। ना ये नंबर मेरा है ना, आपने जो भी ये कॉल लगाया ना, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ, ये नंबर पे भेज दीजिए।
ठीक है चलो मैं व्हाट्सअप करता हूँ आपको, ठीक है। अगर बाई चांस मैं व्हाट्सअप नहीं करता हूँ अभी, मेरी बात सुनो, अगर बाई चांस मैं अभी व्हाट्सअप नहीं करता हूँ तो मैं मॉर्निंग में व्हाट्सअप करूंगा 10 o'clock के पहले, लेकिन 11 बजे के पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए ये बंदे का क्या है क्या नहीं क्या नहीं है, ठीक है। एक मिनट काम करते थे सर, हाँ जो जो बंदे के क्या आपका नाम क्या बोल रहे थे उसका बोल मुझे बंदे का जो फालतू में बस कर रहा था, बोले मैंने उसको तुरंत बोला क्या भाई यार मजाक कर रहा है क्या, 2-5 हजार रुपए की कोई लोन लेता है बोले क्या, मैंने उसको ऐसा बोला, बोले आप यार कितने बात कर रहे हो ये बात कर रहे हो वो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वो कर रहा है वो कर रहा है। एक बात सर मेरी एक बात बोलो क्या सर, हाँ बोलिए सर, क्या उसका नाम क्या था और वो किस कस्टमर के बारे में रिगार्डिंग के लिए बारे में बोल रहा था? वो मेरे को ऐसा बोल रहा था कि बोले सर आप चेतन भट्टी बात कर रहे हो, मैंने बोला भाई मैं अहमदाबाद से बात करता हूँ, बटवा GIDC में से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम राजेश है, ठीक है। बात कर रहे हो मेरे को भाई क्या हुआ, बोल चल चेतन भट्ट बात कर रहा हूँ, चल बोल क्या हुआ, तो बोलता है तुमने लोन लिया ये लिया फलाना ढिकना लिया, कौन सा फलाना ढिकना लिया मैंने, कब कैसे लिया मेरे को बता तो सही, गाली कैसे लिया क्या है नहीं प्रोसेस बता, फिर उसने फोन काट दिया, ठीक है। मैंने वापस उसको फोन किया तो फोन रिसीव नहीं किया, भट्ट के बारे में कुछ मैटर थी ये, फिर मैंने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, उसने फोन नहीं रिसीव किया, फिर उसके बाद वापस मैंने फोन किया तो लगभग मैंने जस्ट 10 मिनट के पहले फोन किया तो किसी ने रिसीव किया, फिर मैं जानकारी के लिए कॉल किया तो नहीं रिसीव किया, बात करके काट दिया। एक बात बोलूं क्या सर? हाँ जी बोलिए सर। ये जो है ना आपको अभी मुझे सब पता चला सर, ये कैसा ये जो है ना ये कस्टमर ये आपके चेतन भट्ट के ऐसे पहले इससे कॉल आया था, उसने ऐसा भी बोला था, इसकी वजह से आपको कैसा उसने ये नंबर दूसरे नंबर पे कॉल किया था कि भट्ट ने बोल रहा था उसको ट्रू कॉल चेक किया तो कैसे सर उसका नाम आ गया था, इसकी वजह से आपसे ऐसा नाम आता है तो आप ये मान लेते हो यही बने, मैंने उसको बोला मैंने क्या प्रूफ है कि मेरा मैं ही बोल रहा हूँ तो मेरे को बता तो सही, मैं तो ये इसके लिए सर आपको कॉल आया होगा शायद ऐसा कुछ भी नहीं, मेहरबानी कर रही है मेरी बात सुनिए सर, देखो ये मैं ज्यादा पहचान ज्यादा मैं करने जाऊंगा ना तो बहुत बड़ा लंबे मैटर हो जाएगी, ठीक है। जिसने लोन लिया है मेरी बात सुनिए, जिसने लोन लिया है उसको आप पकड़ो, ठीक है। अगर आप नहीं पकड़ सकते हो मेरी बात सुनिए, अगर आप नहीं पकड़ सकते हो तो हमको बताइए हम पकड़ लेंगे, ठीक है। वो तो बात है ना सर, लेकिन सर कैसा है ये जो बंदा विकास मेरे को बोला ना, विकास जो मेरे को बोला ना वो बात गलत है, नहीं वो तो बात है उसके लिए सॉरी, मैं इसके लिए जो भी बोला है उसके लिए सॉरी बोलता हूँ।